8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी क्षेत्रों की महिलाओं का सम्मान किया गया। ऐसी श्रृंखला में कल पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल की अगुवाई में संवाद एवं सत्कार का आयोजन किया गया था। इस समय उन्होंने पत्रकारिता से जुड़ी महिला वर्ग का सत्कार किया। गौरतलब है कि 8 मार्च 2024 को विश्व महिला दिवस के अवसर पर पुलिस आयुक्त नागपुर शहर रविंद्र सिंघल ने पुलिस भवन में नागपुर शहर में पत्रकारिता और सोशल मीडिया में उल्लेखनीय काम करने वाली महिलाओं के साथ साथ रेडियो चैनलों के रेडियो चौकी के साथ बातचीत की और उनका सम्मान किया। इस समय समाचार पत्रों के डिजिटल पोर्टल डिजिटल समाचार चैनलों को संभालने वाली महिला पत्रकार, सोशल मीडिया में प्रभावशाली महिलाएं और लोकप्रिय रेडियो चैनलों के रेडियो चौकी उपस्थित थे। जब प्रतिपादन करते हुए पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने कहा कि पत्रकारिता और सोशल मीडिया ऐसे माध्यम हैं जो बड़े पैमाने पर लोगों को प्रभावित करते हैं, इसलिए ऐसे मीडिया के माध्यम से समाज तक उचित जानकारी और ध्यान पहुंचाया जाना चाहिए और आज महिलाएं सभी क्षेत्रों में अग्रणी स्थान पर है, जिसके मायने यह जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। जनतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता और उससे जुड़े लोग समाज का आवाज है। ऐसी भावनिक प्रतिक्रिया देते हुए पुलिस आयुक्त रविंद्र सिंघल ने मौजूद सभी महिला सम्मान मूर्तियों को महिला दिन की शुभकामनाएं दी। मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही विनती रहेगी सब महिलाओं से कि आप जिस तरह से समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते रहें। आप बहुत सक्षम है, बताने की जरूरत है, हर क्षेत्र में आप लोग आगे हैं और इसी तरह से पूरे समाज का नेतृत्व तो आप करते रहिए। जो भी कुरीतियाँ हैं उनको मिटाने के लिए मुझे लगता है पुरुष और महिलाओं को साथ में मिलके काम करना चाहिए और ये जहाँ तक पुलिस का सवाल है, हम लोग इस डायरेक्शन में, इस दिशा में काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। आपसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी विषय है जिसमें आपको पुलिस की जरूरत है या कहीं पुलिस कम पड़ रही है तो आप ज़रूर हमारे पास में आइए, हमें बताइए, फ़ोन पे बता सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उन पे बता सकते हैं। और क्योंकि ये देश हम सबका है और आप इसका नेतृत्व करते हैं तो बहुत सारी अपेक्षाएँ उम्मीदें आपसे है। ये नंबर हमने इसलिए दिया है कि कई बारी अगर हमारे फोन्स बिजी हैं या फिर आप कोई फाइल या डॉक्यूमेंट या फोटोग्राफ भेजना चाहते हैं तो इसलिए हमने वो व्हाट्सएप नंबर दिया है जिस पे आप ट्रैफिक रिलेटेड कुछ क्राइम है उसके रिलेटेड या आपकी कोई और प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड आप हमारे पास में डॉक्यूमेंट भी भेज सकते हैं या ये भेज सकते हैं जिसके ऊपर हम लोग कार्रवाई कर सकते हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग उससे जुड़ रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं, अपनी जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में बताते हैं या उनको अगर कोई चीज़ नज़र आ रही है जैसे ट्रैफिक के कुछ वायलेशंस होते हैं या फिर कुछ गाड़ी जो है कई कई दिनों से एक जगह पे खड़ी हुई है तो इस तरह की हर तरह की मतलब उसमें कंप्लेंट्स आ रही हैं। देखिए बहुत सारी अच्छी चर्चा हुई उसमें और उन्होंने जो जो भी चीज़ें बताई हैं वो हमारे लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस है या हमको अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने का है ऐसा मैं समझता हूँ इसको। और जो भी सजेशंस आए हैं उन सजेशंस पे हम लोग काम करेंगे और जो भी महिला पत्रकार थी उन्होंने बहुत कंस्ट्रक्टिवली और पॉजिटिवली चीज़ों को बताया और हमारे सामने रखा है, हम उन चीज़ों पे काम करेंगे और भी कुछ चीज़ अगर इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है तो वो सब चीज़ें भी हम लोग करेंगे। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।